What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 25th मार्च 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:26 हो रहा है। कल मंथली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी इंडेक्स में। कल हमने देखा जबरदस्त वोलेटिलिटी थी मार्केट में, और इसका असर देखने को मिल रहा था कि जो एसएल था वो प्रॉपर नहीं लग पा रहा था। काफ़ी बड़े बड़े एसएल्स, ऐसे टेक्निकली हम देखें तो काफ़ी बड़े एसएल्स मिल रहे थे, तो इस वोलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। कल तो एक्सपायरी दिन है तो और भी ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। कल कुछ अहम फैसले हुए गवर्नमेंट की तरफ से। पहले तो 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर का, काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए थे। आईटी रिटर्न से उसकी डेट आगे चली गई है, एटीएम के लिए भी काफ़ी सारे रूल्स जो है वो चेंज कर दिए, और एक इकोनॉमिक पैकेज जल्दी ही अनाउंस होगा ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। रात को जब भी पीएम ने एड्रेस किया तो आने वाले 21 डेज के लिए पूरा देश लॉकडाउन है। लॉकडाउन है यानी घर से बाहर नहीं निकलना है। अब तक आपको समझ में आया होगा कितना ज़रूरी है घर में स्टे करना। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी इसे प्रिवेंट नहीं कर पा रही है। इंडिया तो काफ़ी बड़ा है, 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा होता है तो इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो इस सिचुएशन के सीरियसनेस को पहचानिए। अगर आप इसके बारे में अवेयर है तो जो लोग अभी भी रोड पे घूम रहे हैं, आपके दोस्त है, रिलेटिव्स है, आजू बाजू आस पड़ोस में, उनको प्लीज़ समझाइए कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रहे, क्योंकि अगर इससे बदतर हालात होते हैं तो हमें ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा कि दुनिया में हम इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें। और इसके जैसे कि मोदी जी ने कहा कि 21 ईयर्स हम पीछे चले जाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ हो या फिर कोई भी देश हो, अभी फ़िलहाल कम से कम 1 साल के लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ से कोई भी होप नहीं देख सकती, क्योंकि ये जो फैला हुआ है कोरोना वायरस, इसके सिम्टम्स, इसका जो एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म होने के लिए कम से कम 1 साल तो लगेगा, क्योंकि इसका असर कब तक दिखेगा ये कहा नहीं जा सकता। हमें सिर्फ और सिर्फ इससे खुद को बचाना है, तो प्लीज़ घर में बने रहिए। 21 डेज अगर आप घर में बने रहते हैं तो इस चेन को, इस ये जो कंटिन्यूटी है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कोरोना वायरस 277 इंडियंस ईरान से आ चुके हैं, तो इनको टेस्ट करना, फिर इनको क्वारंटाइन करना, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर सिम्टम्स दिखते तो आइसोलेशन करना, काफ़ी बड़ी यहाँ पर मेडिकल सर्विस इनको देनी पड़ रही है। तो ऐसा ना हो 277 लोग हैं, एक कोई पेशेंट 10 लोग को इफेक्ट कर देता है, उसके बाद में ये जो बढ़ते जाता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जाता है। तो इसके ऊपर प्लीज़ और प्लीज़ अगर कोई लोग आपके आसपास जो अभी भी इसको नहीं समझ रहे तो उनको अवेयर कीजिए इसके बारे में, और 21 डेज घर में जितना ज़्यादा हो सके घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले। कल और एक न्यूज़ आ रहा था कि जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनका एक एसोसिएशन है, उन्होंने लेटर लिखा है सेबी को, क्योंकि हर एक राज्य में कल तक जो स्टॉक एक्सचेंजेस है इसको इसेंशियल थिंग्स में नहीं ला रहे थे, तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पूरा एक्सचेंज जो है वो अभी भी ऑटोमेटेड नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो मैन्युअली करनी पड़ती है, जैसे कि दिन ख़त्म होने के बाद जो सेटलमेंट का एक्टिविटी होता है वो मैन्युअली करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर यहाँ से सेबी अगर ये निकलता है तो 2 दिन या फिर 3 दिन के लिए मार्केट भी बंद हो सकता है, क्योंकि लोग अभी भी काम पे नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट भी बंद हो सकता है 2-3 दिनों के लिए। तो अलर्ट रहिए क्या हो रहा है मार्केट में, दुनिया भर में और देश में, न्यूज़ जानने के लिए अलर्ट रहिए। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 24th मार्च आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो देखना है तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 7813 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 7580। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स कल ओपन हुआ पॉजिटिव नोट के साथ, जो हमारा सेकेंड टारगेट था, एग्जैक्ट इसी के पास ही ओपन हुआ। रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया इसने और टूवर्ड साउथ की तरफ आया, और जैसे ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया
तो यहाँ पर इसने फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव कर लिया था, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक दिखाया, और ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 7892 ये यहाँ पर अचीव किया। काफ़ी देर तक इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था, ये लेवल में ब्रेक होने के बाद यहाँ पर सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ और एग्जैक्ट फिर से यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो काफ़ी एक्यूरेटली ये लेवल कल साबित हुए। तो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 115 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 86,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल US मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, पहला ऐसा दिन था जिसमें सबसे ज़्यादा इंट्राडे यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी US मार्केट में। नाजदैक 557 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ था। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो कल हरे निशान में बंद हो चुके थे। आज एशियाई बाजार देखे तो लगभग सभी हरे निशान में, हालांकि SGX निफ्टी अभी 174 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। कल जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, हो सकता है उसके असर के वजह से आज भी निफ्टी इंडेक्स एक थोड़ा फ्लैट पैटर्न में ट्रेड करता हुआ दिखे। डाउ फ्यूचर देखे तो अभी फिलहाल 100 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है, तो अभी भी प्रेशर तो बना हुआ है, रिकवरी फेज को ट्राई कर रहा है ग्लोबल मार्केट, लेकिन जब तक यहाँ से फिर से एक पैटर्न नहीं बनता टेक्निकली, और जो मूविंग एवरेजेस का सिनेरियो होता है असेंडिंग ऑर्डर्स में उसके ऊपर जब तक इंडेक्स नहीं चला जाता, तब तक यहाँ पर प्रेशर साफ तौर पर हमें दिखाई दे सकता है। चलते चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट को देख लेते। वीकली चार्ट में कंटिन्यूस ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से लगातार लोअर हाईज लोअर लो का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वीकली चार्ट में, यानी कंटिन्यू अभी भी डाउन ट्रेड यहाँ पर बरकरार है। लोअर हाई लोअर लो यानी प्रीवियस कैंडल का लो और हाई, इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो होता है, ये पैटर्न कंटिन्यू वीकली चार्ट में चल रहा है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, या ऐसा हम कह सकते हैं। डेली चार्ट पे चले तो अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात करी थी। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ प्राइस को, तो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ से ये लोअर हाई लोअर लोज बनाते चल रहा है प्राइस एक्शन में ऊपर, लेकिन RSI में देखें तो यहाँ पर हायर बॉटम्स बन रहे, तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जन है। RSI कह रहा है कि यहाँ से हो सकता है एक बाउंस बैक आए, लेकिन जैसे कि प्रेशर है ग्लोबल मार्केट में, पैनिक बना हुआ है, तो जैसे प्राइस एक्शन में भी हम बुलिश पैटर्न को देख रहे थे, एक बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था, हर एक सपोर्ट को ब्रेक करते जा रहा था। तो ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक आए, जैसे पास्ट में भी हमने यहाँ पर देखा कि ऐसा पैटर्न आने के बाद, ये देखिए यहाँ पर ऊपर अगर प्राइस एक्शन में देखे तो ये लोअर हाइज बनाते चल रहा है यहाँ पर, लेकिन नीचे RSI को देखे तो हायर बॉटम्स बन रहा है, यानी यहाँ पर क्लियर कट ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। उसके बाद यहाँ से देखिए प्राइस एक्शन में भी अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है। अभी ऊपर सिनेरियो कैसा है, अभी ये मूविंग एवरेजेस जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, अगर फिर से इसको अपसाइड अगर मूवमेंट दिखाना है कंटिन्यूस, तो मूविंग एवरेजेस का ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है ये फिर से असेंडिंग ऑर्डर्स में होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर ये इंडेक्स जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक यहाँ पर पैनिक सिचुएशन यानी डाउन ट्रेंड का माहौल यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अभी फिलहाल एक सिग्नल मिला है जहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का ये जो हाई है, यानी ये जो R1 का लेवल है, पिवट पॉइंट का R1 का लेवल, ये अगर ब्रेक करता है 8049 तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8124, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 8215, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो कल का ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो कैंडल बना हुआ है वहाँ पर ही आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो एक दिन पहले यहाँ पर एक छोटा स्विंग लो बनाया था, तो इस लो के नीचे अगर ये चला जाता है यानी 7739 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
7681 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 7575। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।